नीति आयोग का प्रस्ताव है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमने इसको गंभीरता से विचार किया है, चिंतन किया है। मेरे जिला अस्पताल में समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो दलित है, शोषित है, मजदूर है, आदिवासी मध्य प्रदेश की आत्मा है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति वो इलाज के लिए आता है। मैं बिल्कुल भी, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मैं भी इस नीति आयोग के इस निर्णय से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि जिला अस्पताल में मैंने बोला ना, वो तबका आता है जो गरीब है। ये गरीबों के इलाज के मध्य प्रदेश सरकार वचनबद्ध भी है, प्रतिबद्ध भी, कटिबद्ध भी। इनकी उपचार की गारंटी हमारी है। मध्य प्रदेश सरकार तो गरीबों के लिए स्वास्थ्य, निशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था करने जा रही है, ऐसे में तो ये नीति आयोग का प्रस्ताव सिरे से खारिज करने वाला है, इससे इलाज महंगा होगा। नहीं नहीं, आप जानते हैं अभी भी जिला अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मध्य प्रदेश सरकार, मतलब सरकार द्वारा किया जाता है, और ये निरंतर जारी था, जारी है और जारी रहेगा। इसमें कोई संशोधन, हम तो, हमारी और सामान्य कमलनाथ जी सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छे से अच्छी, सुविधाजनक हम देने का प्रयास कर रहे हैं। एक राइट टू हेल्थ की दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप जानते हो पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ करने जा रहा है, जो कानून का अधिकार स्वास्थ्य को आम नागरिक को हम देने वाले हैं। ये बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें थोड़ा विधानसभा जो आने वाली है उसमें हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार नीति आयोग के प्रस्ताव को नहीं मानेगी, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी का, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी यही इच्छा है, और इसके चलते जो नीति आयोग का जो प्रस्ताव है उसको मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। कैमरामैन राहुल छेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।